इंदौर में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी को देश का सबसे नंबर वन आतंकवादी बता दिया। मंत्री रघुराज का आरोप है कि देश को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, इटली से लुटेरे के रूप में भारत को लूटने आए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है, ना ईसाई धर्म है, बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, ना हिंदू रहे, ना क्रिश्चियन रहे, ना सिख हुए, ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है, ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग। और शायद आपने किसी को ट्रेन को धक्का देते हुए नहीं देखा होगा, आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा वीडियो जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी देखा जा रहा है जिसमें कुछ लोग ट्रेन के इंजन को धक्का देकर आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के डिब्बे को किसी बस की तरह धक्का दे रहे हैं और इंजन धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। लोगों का मशक्कत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। दरअसल बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास नगीना रेलवे फाटक के करीब चांदपुर की तरफ से बिजनौर आ रहा एक टावर वैगन अचानक रेलवे ट्रैक पर खराब हो गया था। इस पर रेल कर्मचारियों को सूचना दी गई। सूचना के बाद रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की गई। काफी देर तक प्रयास के बाद भी जब इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो मौके पर मौजूद रेल कर्मियों ने अपना दिमाग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। इस इंजन की वजह से रूट बाधित ना हो इसके लिए रेल कर्मियों ने अपनी शारीरिक शक्ति के इस्तेमाल की योजना बनाई। रेलवे कर्मियों ने टावर वैगन को धक्का देना शुरू किया। धक्का देने पर जब वैगन आगे की तरफ हिलने लगा तो रेल कर्मियों का हौसला बढ़ गया। वहां मौजूद सभी रेल कर्मियों ने पूरी ताकत लगाकर इंजन को आगे बढ़ा दिया। रेल कर्मियों ने जमकर मेहनत की और पूरी ताकत के साथ उसे ढकेल ढकेल कर किनारे लगाया। रेलवे कर्मचारियों के मुताबिक अगर इस इंजन को हटाने के लिए कोई रेस्क्यू इंजन बुलाया जाता तो